and you're watching Expose India. एक तरफ राहुल गांधी गुजरात में अपनी सॉफ्ट हिंदू छवि को पेश करते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके सोमनाथ मंदिर में जाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन कुमार ने ट्वीट कर राहुल गांधी के हिंदू होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। नवीन कुमार का कहना है कि सोमनाथ मंदिर जाने पर गेस्ट हाउस में राहुल गांधी ने हिंदू वाले कॉलम में हस्ताक्षर नहीं किए। श्री सोमनाथ मंदिर में जो राहुल गांधी ने अपना गैर हिंदू के रजिस्टर में अपना पंजीकरण किया है, ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो तो हिंदू ही नहीं है, ये बात तो सब जानते हैं। आपको याद होगा जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एक हिंदू राष्ट्र जो है नेपाल, उसमें श्री पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे तो सोनिया गांधी जी को मंदिर में एंटर नहीं होने दिया था, और इससे नाराज होकर के राजीव गांधी जब वापस आए तो उन्होंने पूरे नेपाल की आर्थिक नाकाबंदी कर दी, पूरे नेपाल का नमक तेल सब बंद कर दिया, वहां हाहाकार मच गया था। ये तो उनकी नीति है, यही नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी भी इस बात को मानते हैं कि सोनिया गांधी जो है हिंदू विरोधी है, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। ये लोग तो सदा केवल जो मंदिरों में जाने का राहुल गांधी आडंबर कर रहे हैं वो केवल इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि वहां की जनता को बहला सके, बरगला सके और हिंदू वोट हासिल कर सके, जबकि इनका लक्ष्य केवल एक ही वर्ग के वोट पाने का रहता है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।